कोरोना के बाद से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का काफ़ी जोर देखा गया और पूरे विश्व ने आयुर्वेदिक चिकित्सा को एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने उस समय के तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान में भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना के लिए कोटा को भी चुना। आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा में यानी हाड़ौती का ये पहला महाविद्यालय है जिसमें कक्षाएं भी शुरू हो चुकी है। आज इसी कड़ी में स्पेशल गेस्ट के रूप में राजकीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल विष्णु चंद जोशी जी हैं। जोशी जी से इस महाविद्यालय की प्रगति के बारे में हम इन जानेंगे, साथ ही इनके जीवन परिचय के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। ये कहाँ से हैं और किन किन पदों पर रहते हुए इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, आइए बात करते हैं प्रिंसिपल विष्णु चंद्र जोशी जी से। जोशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जोशी जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप मूल कहाँ से हैं और कहाँ किन किन पदों पर रहते हुए आपने यहाँ तक मुकाम हासिल किया? जी सर, सबसे पहले हार्दिक आभार, धन्यवाद साहब, जो आपने मुझे इस मंच पर बोलने का शुभ अवसर दिया। जी, मैं डॉक्टर विष्णुचंद जोशी, पीजी एनआईए जयपुर से किया मैंने। मेरी प्रारंभिक शिक्षा करौली ज़िले के कुड़गांव गांव से हुई थी। कुड़गांव से मैंने 12वीं तक अध्ययन किया, उसके पश्चात मैंने पीएटी टेस्ट दिया। उस ज़माने में पीएटी टेस्ट हुआ करता था। उस समय पीएटी टेस्ट देने के पश्चात मेरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सिलेक्शन हुआ जयपुर। जी जी। मैंने वहीं से यूजी अर्थात बीएमएस की डिग्री की। उसके बाद बीएमएस डिग्री करने के पश्चात मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट दिया। जी। और टेस्ट में मैं पहले जामनगर गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सिलेक्शन हुआ। जी। और वहाँ मेरे पास पंचकर्म डिपार्टमेंट था। उसी समय जस्ट बाद ही उसी सत्र में मेरा एनआईए में सिलेक्शन पुनः जयपुर हो गया था, जो मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन संहिता एवं सिद्धांत विभाग में किया। जी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैं लेक्चरर पद के लिए मुक्तसर गुरु नानक आयुर्वेद कॉलेज पंजाब में गया। जी। उसके पश्चात बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय रोहतक में रहा लेक्चरर पद पर। जी। फिर 2002 में मेरा स्टेट गवर्नमेंट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ और 2003 में आरपीएससी से परमानेंट पोस्टिंग मेरी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई, जो प्रथम नियुक्ति मेरी जोधपुर ज़िले में जुड़िया गांव में हुई थी। जी जी। उसके पश्चात 2007 से आवश्यकताओं के आधार पर मैं नमन करना चाहूँ परम आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर बनवर लाल जी गौड़ साहब ने मुझे जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संहिता सिद्धांत विभाग में जी एज ए लेक्चरर के पद पर नियुक्ति प्रदान की करवाई गई। जी जी। उसके बाद मैं 3.5 साल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में रहा। उसके पश्चात उदयपुर मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय में लेक्चरर पद पर रहा। बहुत बढ़िया। और 8 साल तक लगभग मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय में रहा। उसके पश्चात प्रमोशन हुआ। प्रमोशन में SMO सेकंड बनने पर मैं इंटीरियर में उदयपुर ज़िले के झाड़ोल तहसील में ओगना आयुर्वेद चिकित्सालय में पदस्थापित रहा। जी। और जो ही माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के पैरा 26 के तहत आयुष चिकित्सा पद्धति को अध्यापन पद्धति को
बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के महाविद्यालय खोले गए 6, जिनमें हाड़ौती संभाग कोटा संभाग में के विद्यार्थियों को आयुष चिकित्सा के रुझान और बढ़ावा देने के लिए कोटा में एक आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की गई। जी डॉक्टर विष्णु चंद जोशी साहब, आप एक बहुत अनुभवी चिकित्सक रहे हैं, काफ़ी लंबा आपका कार्यकाल रहा है, और प्रथम जो नियुक्ति प्राचार्य पद पर आपको कोटा में दी गई और आपके सानिध्य में एक महाविद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर है। डॉक्टर जोशी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जो प्रथम फेज का कितना बजट स्वीकृत हुआ था और अब महाविद्यालय में क्या मतलब विकास कार्य किए जा रहे हैं। जी सर, हमारे यहाँ किसी भी आयुर्वेद महाविद्यालय के संचालन के लिए, समुचित संचालन के लिए एक सुसंबद्ध आयुर्वेद चिकित्सालय होना जरूरी है जिसका 2 साल पहले से संचालन हो रहा हो। इसी क्रम में राज्य सरकार ने वैद्य दाऊदयाल जोशी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय को आयुर्वेद महाविद्यालय से संलग्न किया। इसकी संपूर्ण भूमि जो हमारे पास है 9.64 एकड़ भूमि, उसके चिकित्सालय का भवन, चिकित्सालय का स्टाफ को आयुर्वेद महाविद्यालय से संबद्ध कर दिया। जी अब वर्तमान में इसी भूमि के भीतर लगभग 6000 स्क्वायर मीटर भूमि पर हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय बन रहा है, जिसको राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 21.89 करोड़ की राशि हमें कोटा आयुर्वेद महाविद्यालय की आवंटित की है। 15 करोड़ रुपए इसलिए रोके हैं क्योंकि हमारे पास सुसमृद्ध हमारा एक चिकित्सालय का भवन उपस्थित है, बिल्कुल, तो उसकी राशि को काटकर सरकार ने हमें लगभग 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से हमारे पास बजट आया, पहली किस्त 4 करोड़ की आई जी, 4 करोड़ की राशि से हमारी बिल्डिंग बन रही है और लगभग हमारी 6000 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग का लगभग काम, छत का काम पूरा हो चुका है, अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है वर्तमान में। जी जी शीघ्र ही मतलब निकट 6 महीने में हम हमारी बिल्डिंग में सेटल हो जाएंगे, हमारी अपनी बिल्डिंग में हम आकर महाविद्यालय का संचालन करेंगे। डॉक्टर जोशी साहब, ये जो महाविद्यालय है तो इसमें कौन कौन से विभाग संचालित होंगे, जिसमें बच्चों को या जो स्टूडेंट है वो क्या सीख पाएंगे। जी सर वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में 2 प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी जी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योग एंड नेचुरोपैथी कॉलेज जी जी। आयुर्वेद का कॉलेज हमारा NCISM दिल्ली से संबद्ध है, योग और नेचुरोपैथी का कॉलेज हमारा जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी संबद्ध है जी। शुरुआत में योग और नेचुरोपैथी कॉलेज की स्थापना 2021-22 में हमारी हुई थी और हमारा पहला बैच हमें 30 बच्चों का मिला था जी। जिसमें वर्तमान में 21-22 में 30 बच्चे मिले, 22-23 में 27 बच्चे मिले और 23-24 में हमें 30 बच्चे मिले, अर्थात हमारे पास 3 बैच BNYS के चल रहे हैं वर्तमान में, जिसमें हम उनको योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं जी। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए हमें प्रक्रिया NCISM की प्रक्रियाओं के तहत चलते हुए जी जी 23-24 में आकर हमें बैच मिला है, जिसमें BMS का फर्स्ट बैच, फर्स्ट ईयर का बैच हमारे पास संचालित है, जिसमें 54 बच्चे हैं जी जी। वर्तमान में BMS में के लिए मेरे पास फैकल्टी पर्याप्त है, कॉलेज में 14 विभाग है जिनमें सभी बच्चों का अध्यापन करवाया जाएगा, कुछ क्लिनिकल विभाग है, कुछ नॉन क्लिनिकल विभाग है जी जी। क्लिनिकल विभाग वर्तमान में हमारे चिकित्सालय में संचालित है, अर्थात जहाँ पर रोगियों की समुचित चिकित्सा की जा रही है जी। जैसे काय चिकित्सा विभाग हमारा समुन्नत है, जिस पर मेरे पास 3 फैकल्टी है जो समय के हिसाब से चिकित्साएँ कर रहे हैं। सर्जरी विभाग में 1 एसोसिएट प्रोफेसर 2 लेक्चरर हैं जी, जहाँ पर हम पाइल्स, फिस्टुला या गुदरोगों की या अन्य सर्जिकल चिकित्सा करते हैं हम। इसी प्रकार से ENT में आई और ईयर नोज का चिकित्सा करते हैं, जहाँ पर हमारे श्याम
और डॉक्टर श्याम और डॉक्टर संगीता वाला है जी। इसी प्रकार से हमारे बाल रोग विभाग है जिसमें डॉक्टर मोहनलाल वर्मा जी है, और समय पर इम्यूनिटी बूस्टर अर्थात बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करवा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है जिसमें हमारे डॉक्टर मीनाक्षी नागर है। इसी प्रकार से हमारे पास एक पंचकर्म विभाग है जिसमें हमारे डॉक्टर सरिता मीना लेक्चरर है, और पंचकर्म की विधाओं का श्रेष्ठ प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं और रोगियों को समुचित लाभ दे रहे हैं पंचकर्म विधाओं के द्वारा। जी बहुत बढ़िया। डॉक्टर जोशी साहब, बच्चों को आयुर्वेद में जो हर्बल गार्डन की क्या महती भूमिका होती है, आपने आपके यहाँ इस तरह का डेवलप भी कराया गया है। मैं हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय कोटा दक्षिण के विधायक लाडले हमारे संदीप जी शर्मा साहब का, जिन्होंने आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना के लिए हमें 20 लाख रुपए का बजट दिया जी। और बजट के आधार पर हमने 2500 स्क्वायर मीटर जमीन पर हर्बल गार्डन का निर्माण किया है जी। जिसमें हम अब आयुर्वेदिक औषधियों का रोपण करके बच्चों को ज्ञान दिलवाएंगे। प्रत्येक हर्बल औषधि का हम उसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी देंगे जी। जिसमें हम रोगियों के रोग के प्रशमन में सक्षम होंगी वो औषधियाँ जी। डॉक्टर जोशी साहब, ऐसा माना जाता है कि हर्ड होती में जो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं, क्या ऐसी संभावना है जो बच्चों को शोध कराया जाएगा ऐसा? बिल्कुल सर, हाड़ौती संभाग हमारा औषधियों की प्रचुर मात्राओं से भरा हुआ है। जैसे अपने ये हाड़ौती दरा की नाल है जी जी है, और भी हमारे यहाँ ये नर्सरीज है, जैसे हमने सीता माता अपनी ये है ना, ये सीताबाड़ी यहाँ पर है। झालरा पाटन में एक डिस्पेंसरी है जिसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है, और जिनमें हम बच्चों को टूर ले जा करके, जो अभी तो बच्चे हमारे टूर पर नहीं जाएंगे, सेकेंड ईयर में जो ही बच्चे आएंगे हमारे, तो सरकार से भी हमें बजट उपलब्ध कराया जाएगा और इन वनौषधियों के ज्ञान के लिए हम उनको भ्रमण के लिए ले जाएंगे जी। डॉक्टर जोशी साहब, योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसका भी मतलब वर्तमान में काफ़ी देखने को, मतलब हर व्यक्ति योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, तो जब आपके चिकित्सक तैयार होंगे तो किस तरह वह मतलब आमजन को एक चिकित्सा पद्धति देंगे? बिल्कुल सर, योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जो स्कॉलर तैयार होंगे जी, वो सरकार ने पहले ही भूमिका बना दी सरकार ने जी, कि हमारे गांव-गांव में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल दिए, जिसमें आगामी भविष्य में हमारे योग चिकित्सक जो तैयार हो रहे हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सक, उन्हीं का पदस्थापन किया जाएगा। और आज भी जो वर्तमान में खोले गए हैं उनमें हमारे योग प्रशिक्षक जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है योग का, उनको नियुक्ति दी जा रही है। माननीय राजस्थान सरकार ने अभी भी ये आयुष अपने जो पीएससी सीएससी पे योग सेंटर खोले गए हैं, और अभी भी वर्तमान में उन्हें पदस्थापन का कार्य किया जा रहा है जी। तो योग चिकित्सक हमारे तैयार होंगे तो श्रेष्ठ योग और प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर आम जन को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं दे सकेंगे जी। डॉक्टर जोशी साहब, वर्तमान में आपका जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय है ये कहाँ संचालित हो रहा है, और क्या आपके पास पूरी टीम है जो इस तरह एक टीम वर्क की भावना से संचालित हो रहा है? बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया मेरे से। वर्तमान में हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय हमने गुरुकुल का कैंपस जी, जिसमें लगभग 2000 स्क्वायर मीटर जमीन कवर्ड एरिया है, उसमें संचालित हो रहा है। हमारे BNYS के और BMS के बैच वहीं पर चल रहे हैं जी। फर्स्ट ईयर में हमारे पास सारी फैकल्टी है, फर्स्ट ईयर में ही नहीं, बाकी हमारे सारे 5 साल के लिए जो हमारा बैच चलेंगे BMS के जी, BNYS के, वो लगभग सभी फैकल्टी है, और कुछ छोटे मोटे कमियाँ है उनको सरकार शीघ्र ही पूर्ण करने जा रही है। अतः हम पूर्णतः श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक और श्रेष्ठ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सक तैयार करेंगे, और वर्तमान जो ही हमारी ये बिल्डिंग यहाँ शिफ्ट बन जाएगी तलवंडी में, तब हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जोशी साहब,
जो आपने बताया कि वैद्य दाऊदयाल जोशी जो अस्पताल है इसको संबंध किया है आपने आपके महाविद्यालय से, ऐसे कोई हाड़ौती में और भी जो चिकित्सालय है उनको भी संबंध किया जाएगा ऐसा संभावना बनती है सर? सरकार आवश्यकता के हिसाब से संबंध कर भी सकती है। जी जी, जब हमें आवश्यकता हो, जब पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ आएंगे तो हमें और भी चिकित्सालय की जरूरत पड़ेगी जब रिसर्च वर्क के लिए, तो कर सकती है सर हमें आगे सरकार। डॉक्टर जोशी साहब, सेकंड फेस में जो वर्क होगा निर्माण, उसमें क्या क्या आवश्यकताएं होंगी? सर बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सेकंड फेस के निर्माण के लिए हमें महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों की आवश्यकता रहेगी जी, जिसके लिए मैंने तकमीना बनवा के बजट के लिए आवंटन के लिए सरकार को पत्र भेज दिया है। बहुत बढ़िया। दूसरा, NCISM के मानकों की पूर्ति के लिए जो हमारा वर्तमान में चिकित्सालय है वो चिकित्सालय छोटा पड़ रहा है, जैसे पंचकर्म विभाग का विस्तार होना है, सर्जरी विभाग का विस्तार होना है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो विभाग है हमारे IPD होंगी उनका विस्तार होना है, हमारी जो IPD वार्ड है हमारे उनका विस्तार होना है। उनका विस्तार के लिए मैंने NHM से तकमीना बनवा करके 536 लाख का जी जी 5.36 लाख का करोड़ 5.36 करोड़ का जी जी तकमीना बनवा करके राज्य सरकार को भेजा है और शीघ्र ही उसकी अनुमति मिलने की संभावना है, जिससे हमारे ये चिकित्सालय की कमी भी पूर्ति हो जाएगी। आगे इसी क्रम में हम जैसे हमारा रसशास्त्र द्रवगुण विभाग जी, इनके लिए हम फार्मेसी का अलग से बजट आवंटन करवाएंगे। द्रवगुण विभाग हमारा समुन्नत होगा जहाँ पर औषधियों के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देंगे, तो ये आगे के फेस की बात है। लेकिन वर्तमान में हमारे पास चिकित्सालय की कमी है जो हमें तकमीना बनाकर भेज चुके राज्य सरकार को, और आगे व्यवस्था देखेंगे जैसे सरकार निर्देश करेगी जी। डॉक्टर जोशी साहब, आप प्रथम प्राचार्य हैं इस महाविद्यालय के, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सानिध्य में जो महाविद्यालय वह प्रगति की ओर है। तो आपका इस पद पर रहते हुए आगे क्या उद्देश्य है सर आड़ोती के लिए? सर मैं प्राचार्य पद पर यहाँ पर 3/9/22 से ज्वाइन किया जी। इससे पहले व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था समन्वयक हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा जी थे, उनका ट्रांसफर हो गया यहाँ से, खैर वो अगला विषय है। लेकिन मेरा पहला ध्येय होगा कि हाड़ौती संभाग में पढ़ने वाले आयुर्वेद के योग के बच्चे श्रेष्ठ हमारी आयुर्वेद विधा का ज्ञान करके जनसेवा करें, आगामी जनता को आने वाली जनता को आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और जिससे खुद का परिवार का नाम रोशन कर सके। मेरा प्रमुख ध्येय होगा कि श्रेष्ठ हमारे आयुर्वेद चिकित्सक, श्रेष्ठ हमारे योग के चिकित्सक बने जो आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने परिवार का और समाज का नाम रोशन करते हुए स्वास्थ्यता प्रदान करें जी। डॉक्टर जोशी साहब, आपके महाविद्यालय में सभी बुद्धिजन प्रोफेसर सहायक आचार्य पदस्थापित हैं, किस तरह का माहौल आपको मिलता है सर? नहीं सर, बहुत अच्छा माहौल मिलता है। हाँ। हमारे सभी विभागों में सभी श्रेष्ठ हैं, सभी हमारे PG स्कॉलर्स हैं, सभी श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। जैसे मेरे यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकले हुए 2 PG स्टूडेंट हैं जो सर्जरी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम लगभग सभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से निकले हुए PGQA है। पंचकर्म विभाग में डॉक्टर सरिता है वो आयुर्वेद विश्वविद्यालय से PG की हुई है। तो वर्तमान में मेरे यहाँ सभी फैकल्टी पोस्ट ग्रेजुएट और श्रेष्ठ चिकित्सक है जो अपनी चिकित्सा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर चिकित्सालय में और महाविद्यालय में श्रेष्ठ सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हमारा जो एनाटॉमी विभाग है वहाँ पर हमारे पास एक डेड बॉडी भी है जो हम बच्चों को सब परीक्षण करवाएंगे, उस पर बच्चों को डेड बॉडी पर ज्ञान दिलवाएंगे, बच्चों को मतलब डिसेक्शन करके हम ज्ञान देंगे जो बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर जोशी साहब, एटोनॉमी विभाग जो बताया आपने उसमें किस तरह आप डेड बॉडी को मतलब सुरक्षित रखते हैं और किस तरह बच्चों को
उसको शिक्षा दिलाते हैं। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हार्दिक आभार देना चाहूँगा अपना घर संस्था जी जिन्होंने हमें एक मृतदेह उपलब्ध करवाया। मृतदेह को हमने अभी एक महीने पहले ही उसको लिया है और हमने हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाकर ही उसको प्रिजर्व करवाया, जिसमें हमारे डॉक्टर निरंजन गौतम, डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर बिमला खत्री, इन्होंने मिलकर के हमारे जो फैकल्टी इन्होंने सभी ने मिलकर के उस डेड बॉडी को प्रिजर्व किया, जिसमें फॉर्मोलिन डाल करके फॉर्मोलिन इंजेक्ट करके उसको प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करने के पश्चात वो डेड बॉडी आज हमारे पास टैंक में सुरक्षित है और जब हम बच्चों को डिसेक्शन करवाएंगे उसको वहाँ से निकालेंगे, फिर उसको टेबल पर रखेंगे, टेबल पर रखने के बाद फिर उसको हमारे जो एनाटॉमी विभाग के लेक्चरर्स हैं जी जी वो उस पर अध्ययन बच्चों को सामूहिक रूप से अध्ययन करवाएंगे बच्चों को जी। डॉक्टर जोशी साहब, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति काफ़ी प्राचीन है, यानी 3000 साल पुरानी है। इस पद्धति को पहले कमा का गया था, लेकिन कोरोना के बाद इसको एक विशेष दर्जा मिला, यानी चलता तो पहले भी था लेकिन इतना प्रचार प्रसार नहीं था। वर्तमान में क्या कोरोना के बाद आयुर्वेद की महत्ता बढ़ी? जी बताएं सर। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जीवन का विज्ञान है। हमारा दो प्रमुख ध्येय है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और रोग के रोगी के रोग का प्रशमन करना। हमारी चिकित्सा किचन से स्टार्ट हो जाती है, हमारी चिकित्सा रसोई में ही उपलब्ध है, जैसे जीरा है, हींग है, धनिया है, काली मिर्च है, लौंग है, आपके सौंफ है, सौंठ है, ये हमारी कुछ औषधियाँ ऐसी है जो हमारे किचन से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और यदि हम वो कहते थे दादी माँ के नुस्खे, उन दादी माँ के नुस्खों पर ही हम चल जाए तो निश्चित रूप से हम आयुर्वेद को समझ लेंगे, आयुर्वेद से श्रेष्ठ चिकित्सा कर सकेंगे। आपने सही कहा, कोरोना काल से, अर्थात कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जो इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली थी। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर थी, इम्यूनिटी पावर कम थी, उनको कोरोना का आक्रमण ज़्यादा हुआ। बिल्कुल। शहरों में कोरोना का आक्रमण ज़्यादा देखा गया, ग्रामीण परिवेश में कोरोना का आक्रमण कम देखा गया, क्योंकि ग्रामीण जनता प्रकृति के नज़दीक रहती है। बिल्कुल। हम शहरों में जीवन श्रेष्ठ है लेकिन हम प्रकृति से दूर है। आज भी ग्रामीण परिवेश में जाएंगे हम तो देसी दवाओं का, आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मैं कोरोना काल में झाड़ोल में ओगना में पोस्टेड था, उदयपुर ज़िले में जी, तो वहाँ आदिवासी बेल्ट पूरी, और वो आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति इतने संलग्न, इतने समृद्ध थे, लगे हुए थे कि वो आयुर्वेद में विश्वास था उनका। जो ही कोरोना का आक्रमण जो पेशेंट आने लगे गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो उन्होंने अपने आप को आयुर्वेदिक औषधियों से ही ठीक किया, जैसे गिलोय है जी, तुलसी है, नीम है, मुलेठी है, ये ऐसी औषधियाँ जो हमारी किचन में उपलब्ध है। और गिलोय तो ताज़ा जंगल से लाता था, मैं खुद काट के लाता था और ग्रामीणों को काढ़े के रूप में बना बना कर दिया मैंने, तो निश्चित है। और तब से ही आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। अब वर्तमान में हम देखें कि हमारे जो नीट देने वाले कई छात्र आयुर्वेद को प्रेफर करते हैं और आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। डॉक्टर जोशी साहब, पहले कई औषधालयों में जाते थे आयुर्वेदिक औषधालय, तो चूर्ण दे देते थे तो लोग खा नहीं पाते थे, और खाते मतलब यानी पूरी डोज नहीं ले पाते थे। आज जो आयुर्वेदिक जो दवाएँ वो क्या गोली के रूप में या टेबलेट या कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है? जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पाउडर को लेने में आमजन की धारणा थोड़ी होगी, क्या पाउडर लेना है? लेकिन हमारी जो आयुर्वेद की औषधि निर्माण करने वाली फार्मेसियाँ हैं, उन्होंने समय के हिसाब से टैबलेट फॉर्म, ब्लिस्टर पैक, जिनमें हम पैकेट में पैक टैबलेट्स हैं, उनको निर्माण शुरू कर दिया है। इसी के साथ हम अवले चटनी के रूप में जो बच्चे आराम से ले लेते हैं जी, सीरप बेस में जो ले सकते हैं,
तेल बेस में जो हम अभ्यंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आयुर्वेद की औषधियों का आधुनिकीकरण भी हुआ ही है, जिसमें हम टैबलेट है, अवले है, ग्रतपाक है, इनका प्रयोग करके हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ लाभ देने का आम जन को प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जब फार्मेसी आयुर्वेद महाविद्यालय में फार्मेसी औषधियों का निर्माण विकसित हो जाएगी, तब आयुर्वेद औषधियों का निर्माण करना शुरू करेंगे जी। ये हफ्ते के गेस्ट हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विष्णुचंद जोशी जी थे। जोशी जी के सानिध्य में आयुर्वेद महाविद्यालय की प्रगति चल रही है और इनके द्वारा हर्बल गार्डन भी वहाँ तैयार किया गया है। साथ ही जो स्टूडेंट है वो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक बनकर समाज के सामने जाएंगे और आयुर्वेद इलाज करेंगे, ऐसा इनका मानना है। और सेकंड फेज में भी इनकी सोच है कि इसका विस्तार किया जाए महाविद्यालय का। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।